हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 20.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से पहले एक्सरसाइज 20.1 के ऑलरेडी मैं 5 पार्ट्स बना चुका हूँ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक को सॉल्व किया है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent if the cost of 1 meter square canvas is rupees 70. Find the cost of the canvas required to make the tent. तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, कोन की बात हो रही है तो आपको यहाँ पर कोन सबसे पहले बना के रखना है, ठीक है। A conical tent is 10 meter high, यानी जो आपका कोन है उसकी हाइट गिवन है आपको, कितनी है बच्चों, यहां पर लिख लीजिए, हाइट का वैल्यू है 10 मीटर। इसके बाद एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, आर का वैल्यू भी गिवन है, ये जो आर है इसका वैल्यू भी आपको गिवन है, कितना है 24 मीटर। अब इसके बाद बोला है फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट, आपको स्लेंट हाइट भी निकालना है इस एल का वैल्यू। देखिए, सिंपली आपको यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है, ओके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा बच्चों, एच का स्क्वायर, है ना, यही तो होगा। तो यहां पर ये यह आपका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको वैल्यूज को रख देना है, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 24 है, ओके, प्लस एच का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 10। इसके बाद आपको यहां पर स्क्वायर लेना है, ओके। तो 24 इंटू 24 कितना होता है बच्चों, 576, ओके, ये आपका 100 हो जाएगा, ओके। इसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका 676 हो जाएगा, ओके। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 26 इंटू 26, ओके। तो ये आपका एक पेयर बनता है, तो ये आपका 26 का स्क्वायर रूट होगा, ओके। तो ये आपका L का वैल्यू निकल के आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको L का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। चलिए, इसके बाद आपको क्या बोला है बच्चों, इसके बाद आपको बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज रुपीज 70, यानी कि ये कैनवास का बना हुआ है, ठीक है, कोई कपड़ा है उसका ये बना हुआ है। तो यहां पर आप इस कॉस्ट को लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है बच्चों, 70, ओके, रुपीज 70। इसके बाद आपको बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी कि यहां पर तो आपको गिवन है सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट। मेरी बात आ रही है समझ में? मान लीजिए यहां पर ये यह आपका 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, सिर्फ इसका वैल्यू आपको गिवन है रुपीज 70, लेकिन आपको टोटल निकालना है, ओके। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा इस कोन का, ओके। जैसे ही आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये जो कॉस्ट है इससे आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मेरी बात आ रही समझ में? क्योंकि आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहां पर आपको पूछा है कि पूरा का पूरा टेंट बनाना है, ठीक है। तो पूरा जो टेंट होगा बेसिकली वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। तो चलिए, स्लेंट हाइट आपने निकाल ली 26 मीटर, इसके बाद आप निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया, ओके। आपको फॉर्मूला मालूम है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट है, ओके। तो ये होता है आपका पाई आर एल। तो सिंपली वैल्यूज को पुट करना है, आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम थी, एल की वैल्यू आपने यहां पर निकाल ली, तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 22 अपॉन 7, आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 24 इंटू एल, एल का वैल्यू 26, ओके। तो बच्चों यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
ओके आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 13728 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर। ओके तो बच्चों अब आपके पास कार्ड सरफेस एरिया निकल के आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए कॉस्ट आपको गिवन है 1 मीटर स्क्वायर का, ओके। लेकिन जब आपको कार्ड सरफेस एरिया ही मालूम चल चुका है तो सिंपली ये जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की, ओके, इसको यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये जो कार्ड सरफेस एरिया है इसका कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये जो कार्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, कि इतना कैनवास यूज हुआ है इतने एरिया में, ठीक है, तो इसका कॉस्ट निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। मेरी बात आ रही है समझ में? तो चलिए हम यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर कैनवास, ठीक है, इतने एरिया में कैनवास यूज हुआ है, मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर का आपको वैल्यू गिवन है 70 रुपीज, ओके। तो सिंपली 70 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है 13728 इंटू 70 अपॉन 7, ओके। तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो आपके पास जो आंसर होगा, कॉस्ट होगा कितना होगा बच्चों, 13780, ओके। ये आपका रुपीस में होगा क्योंकि कॉस्ट है, तो आप यहां पर लिख देंगे रुपीस 13780। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 मीटर हाइट कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर्स। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट इफ विड्थ ऑफ द कैनवास इज 2 मीटर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए एक कोन है आपके पास, ओके, कॉनिकल टेंट है, सर्कमफेरेंस आपको गिवन है कितना है 44 मीटर्स। आप यहां पर लिख लेंगे गिवन क्या है आपको, सर्कमफेरेंस, ओके, कितना है बच्चों 44 मीटर। आपको गिवन है हाइट, ओके, हाइट भी गिवन है, हाइट कितना है 10 मीटर। इसके बाद आपको बोला गया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ विड्थ ऑफ कैनवास इज 2 मीटर। अब देखिए आपको फाइंड करना है लेंथ, विड्थ का वैल्यू आपको गिवन है। अब यहां पर हम ले लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में कैनवास रहा होगा उसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मेरी बात आ रही है समझ में? तो आपको गिवन क्या है विड्थ, ओके, ब्रेड्थ आपको गिवन है एल इंटू टू, ओके। तो अब आपको फाइंड करना क्या है, L का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, L का वैल्यू आपके पास आ जाएगा एरिया अपॉन 2, ठीक है, यही आपको फाइंड करना है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पर जो आपको एरिया गिवन है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपका ये जो कोन है, कैनवास है, इसका कार्ड सरफेस एरिया है, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। क्या आपको आर का वैल्यू गिवन है बच्चों, नहीं गिवन है, आपको सर्कमफेरेंस गिवन है, आर का वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है, ओके। हाइट का वैल्यू आपको गिवन है, ओके। तो सबसे पहले आपको आर और एल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से। सर्कमफेरेंस क्या होगा बच्चों, जो बेस है आपका, ये आपका सर्कल है, ओके, तो ये आपका 2 पाई आर होगा, मेरी बात आ रही है समझ में, 44, ओके। तो यहां से आप आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके, तो ये आपका 22 हो जाएगा, ओके। अब पाई का वैल्यू रख लेते हैं, 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, तो 22 से 22 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आर का वैल्यू आ जाएगा 7 मीटर, ओके। तो यहां से आपने रेडियस फाइंड कर लिया, ओके, इस आर का वैल्यू आ गया 7 मीटर, ओके। हाइट का वैल्यू आपको गिवन है, ओके, हाइट का वैल्यू है 10 मीटर, ओके। अब आर और एच का वैल्यू आपको मिल गया तो आप एल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो चलिए हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, ओके,
तो ये आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। ओके तो यहां पर आर स्क्वायर कर लेंगे, ओके ये आपका 49 हो जाएगा, एच का स्क्वायर होगा आपका 100। ओके तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 149 अंडर रूट, ओके अंडर रूट ऑफ 149। ठीक है, ये आपका एल का वैल्यू है। ओके और इसी वैल्यू को आपको यहां पर पुट करना है। मैं यहां पर रख लेता हूं कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ओके 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू बच्चों बताइए जल्दी से 7 मीटर, इंटू एल, एल का वैल्यू बताइए अंडर रूट 149। तो 7 से 7 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 22 इंटू अंडर रूट 149। ओके तो बच्चों जैसे ही आपके पास कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाता है आपको करना क्या है, इस कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू आपको यहां पर पुट करना है। मेरी बात आ रही है समझ में, यहां पर पुट करना है। ठीक है चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके आप लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन 2। ओके तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, तो इसको वैल्यू को यहां पर रख देंगे 22 अंडर रूट 149 ओके डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 11 हो जाएगा। ओके तो 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है 149, इस अंडर रूट को आप सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 134.2 मीटर। ओके एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।